और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं यानी कि आज यानी कि 14 तारीख को ये ओपन हो चुका है, और इस वीडियो को शेयर जरूर करना नीमच के सभी लोगों में, ताकि सभी लोग इस जगह को जान पाए, पहचान पाए और नीमच की इस जगह को और लोगों तक पहुंचा पाए। सो हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल तरुण के ब्लॉग। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, एक बार फिर से आप सब लोगों का वेलकम है। सो गाइस, अभी हम लोग आए हुए हैं पटेल प्लाजा मॉल, और क्यों आए हुए हैं यहाँ पे, एक वीडियो हमने शेयर किया था। सो आज वही जगह का हम लोग और एक्सप्लोर करने हैं। सो गाइस, हम लोग अभी आ चुके हैं यहाँ पे टर्फ ग्राउंड। मेरे साथ में फिलहाल मेरा बचपन का बेस्ट फ्रेंड मयंक, जिसको आप ऑलरेडी एक वीडियो में देख चुके हैं हमारे फ्रेंडशिप वाले वीडियो में, और हमारे साथ में टोनी भैया भी हैं, जिनको आपने शायद नहीं देखा, लेकिन मैं इनसे इंट्रोडक्शन लेना चाहूंगा। मैं देवेंद्र प्रेमी, वेस्टर्न रेलवे फुटबॉल प्लेयर हूँ, MP कोच हूँ, एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन से सी लाइसेंस किए हुए हैं, बचपन से नीमच की माटी पे खेले हुए हैं। आज ये मौका मिला है कि फुटबॉल के लिए कुछ कर पाए, इसलिए आज इस टर्फ ग्राउंड को हमने ऑर्गेनाइज किया है। बड़ी मेहनत लगी है नीमच के भविष्य के लिए, थोड़ी सी कोशिश हमारी तरफ से। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखाता भी हूँ यहाँ पे कि जिस जगह पे हम लोग आए हैं, कितना खूबसूरत ये जगह बनी हुई है यहाँ पे, और इसके पीछे जानते हैं आज इस वीडियो में। इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आज इस वीडियो में पूरी डिटेल देने वाले कि नीमच में पहली बार, नीमच के इतिहास में पहली बार इतनी खूबसूरत जगह खेलने के लिए बनी है। आगे बात करेंगे इसी बारे में कि क्या है इस ग्राउंड में और क्या क्या यहाँ पे होने वाला है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। सो यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मयंक, यार काफी ज्यादा खेलने की बहुत सारी चीजें यहाँ पे पड़ी हुई हैं, कुछ एकेडमी का भी प्लान है क्या यहाँ पे? हाँ, मोस्टली हमारा ये एकेडमी का प्लान है। आपने देखा होगा मेट्रो सिटीज में इस टाइप की फैसिलिटीज मिलती है कि बहुत सारे अपने इक्विपमेंट्स इस टाइप के रहे, और उस इक्विपमेंट को किस टाइप से एजिलिटी वर्कआउट के लिए, स्पीड के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए अपन यूज करके अपने बच्चे को और अच्छे लेवल पर उसको ले जा सकते हैं। तो इसलिए हमारी ये कोशिश है कि हर तरह का हम उसको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करें जो बोल सकते हैं इंटरनेशनल लेवल एकेडमी में रहे। इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ, यहाँ पे बच्चों को ट्रेन भी किया जाएगा फुटबॉल में, सिर्फ फुटबॉल में नहीं, नहीं सिर्फ फुटबॉल में नहीं, इसके अलावा हमारे पास सेल्फ डिफेंस एकेडमी है। okay. उसके लिए भी पर्टिकुलर कोच है जो जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, okay. टाइकोंडो okay. के लिए हमारे स्पेशल बैचेस कोचिंग रहेगी, जो स्पेशली बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए रहेगी। तो यानी कि अभी धीरे धीरे पत्ते खोलेंगे मयंक भी और हमारे साथ भैया भी, तो देखते हैं आगे और भी क्या क्या है यहाँ पे, क्रिकेट का भी है। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो यार क्रिकेट खेलने का तो मुझे बहुत ज्यादा शौक है, तो यहाँ पे यार क्रिकेट के लिए भी कुछ है कि नहीं ये पूछते हैं। क्रिकेट के लिए भी भैया कुछ है क्या यहाँ पे, कि अगर जैसे बाहर मुझे क्रिकेट खेलना बहुत ज्यादा पसंद है। फुटबॉल देखो, हालांकि बचपन में स्कूल में मैं और मयंक ने बहुत ज्यादा खेला है, भैया तो खैर नेशनल प्लेयर रह चुके हैं। क्रिकेट अगर किसी को बाहर से खेलना हो और यहाँ पे आगे खेलना हो, तो उसके लिए क्या यहाँ पे अलाउड करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल अलाउ करेंगे। मैं सोचता हूँ हम बहुत नसीब वाले हैं जो हमने नीमच की जनता को ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है जो मोस्टली मेट्रो सिटीज और बड़ी सिटियों में मिलता है जी। एक बार अगर वो यहाँ के खेलना स्टार्ट करेंगे ना, तो रुकेंगे नहीं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैं भी खेलना रुक नहीं पा रहा हूँ उतनी देर से, तड़प रहा हूँ उतनी देर से, इसलिए मैंने एक बॉल तो खेल ही ली। बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा फीफा है, अप्रूव टर्फ है अपना। ओके, एक बार आप आए, हम वेलकम करते हैं। मयंक, विक्की और हमारी पूरी जो ऑर्गेनाइजिंग टीम है आपको बुलाएगी बिल्कुल, और आप आए और इंजॉय करें इसको, बहुत मजा आएगा। मैं मोस्टली ये दिक्कत रहती है कि सब ऐसा सोचते हैं कि ये चीज चली तो प्रोफेशनली आए, ऐसा नहीं है। अगर आप एज ए फैमिली के साथ इंजॉयमेंट के लिए भी आ सकते हैं, बर्थडे पार्टीज में भी आ सकते हैं, एनुअल स्पोर्ट्स डे इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं उसके लिए भी हम इतने छोटे प्राइमरी के लिए वो सारी फैसिलिटी अप्रूव करके, अभी ऐसा लग रहा है कि सब प्रोफेशनल, बट ऐसा नहीं है। अगर कैजुअली भी अगर अपन फ्रेंड्स के साथ एक चाय की सिप भी ले रहे हैं, तो साथ में चाय की सिप के साथ आप यहाँ पर मैच भी खेल सकते हो आराम से, जस्ट लाइक फॉर योर एंटरटेनमेंट एंजॉयमेंट। सो इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ इस बात का सारांश को, तो ये है कि यहाँ पे आप चाहें तो यहाँ पे आप अपना पर्सनल पूरा बुक करवा के आप अपने फैमिली के साथ भी खेल सकते हैं, चाहे तो हम आपके कौन में जैसे हुआ था ना, वैसे भी आप कर सकते हैं। अरे ग्रास भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट है यार, सो इस ग्रास का भी यार अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल दिख रहा है मुझे, क्योंकि इस पे गिरने के बाद आई डोंट थिंक सो किसी को लगने वाली। बिल्कुल नहीं लगेगी, ये आर्टिफिशियल टर्फ है। okay. इसके अंदर ग्रास के अलावा सिलिका सैंड, रबर गेनुअल, ये स्पेशली okay. अपने आसपास तो मिलते भी नहीं बॉम्बे और ये क्या होता है वैसे, ये बेसिकली रबर गेनुअल रबर का एक टुकड़ा होता है। मतलब इन शॉर्ट अगर हम लोग सिंपल सी भाषा में अगर लोगों को समझाएं तो ये और सॉफ्ट करने के लिए होता है। सॉफ्ट करने के लिए आप अगर 3 फीट की हाइट से भी गिरेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। अच्छा, तो इसका बेसिक काम यही है कि अगर कोई यहाँ पे गिरता
खेलता भी है तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और घास में खेलने के बचपन से हम तरसते थे और मजा उसी में आता था। और सबसे ज्यादा खेलने से ज्यादा ना हम लोग क्रिकेटर्स को देखते हैं जब कैच पकड़ने के टाइम वो रोल कर जाते हैं, तो रोल करने में ज्यादा मजा आएगा। यार मैं सब जगह यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये रेड कलर के कुछ लगे हुए हैं, तो ये रेड कलर के मैं क्या चारों तरफ ये क्यों लगे हुए? एक्चुअली रेड कलर किसके लिए होता है? अपन ने देखा होगा ट्रैफिक पे अपन जब खड़े होते हैं okay, तो ग्रीन होता है जाने के लिए, रेड होता है रुकने के लिए। तो रेड इज जस्ट लाइक ए डेंजर जोन, तो वो पोल हम वहाँ रहते हैं तो पोल से वो इंजुरी होने के चांसेस रहते हैं बच्चों के, तो इसलिए हमने वो रेड कलर के लगाए। इसमें पहले प्रोफाइल लगी है, प्रोफाइल के ऊपर हमने रेक्सिन लगाया ताकि बच्चा या खेलते वक्त या टकराए भी तो वो इंजुरी ना हो। प्रोफाइल बोले तो ये दबरा ही कुशन है, फॉर्म टाइप। यहाँ पे जब से चेरिश आया है यहाँ पे ये रुक ही नहीं रहा है, कब से दौड़ ही रहा है, खेल ही रहा है। क्या बेटू मजा आ गया क्या आपको? सो यहाँ पे बैठने का भी काफी अच्छा लुक आउट है। यहाँ पे नीचे टायर आपने देख ही लिया, ये किस पर्पस के लिए? मोस्टली आजकल के यूथ जो है वो बहुत ज्यादा पसंद करते हैं इस टाइप की चीज, तो भैया का एक बहुत ही अच्छा आइडिया था कि अपन ये टायर का यूज करके अपन इसका सेटिंग जो देंगे कम्फर्ट भी रहेगा और थोड़ा इनोवेटिव देंगे। ये सारी प्लानिंग और ये सारे आइडिया भैया का था। तो यहाँ बैठ के मतलब चाय वाय पी सकता है इंसान, क्योंकि देखो क्या यहाँ से जो लुक आ रहा है ना अभी, अगर मान लो मैं किसी के साथ आया और मुझे खेलना नहीं आता है, मुझे खेलने में इंटरेस्ट नहीं है, तो यहाँ से पूरा ग्राउंड दिख रहा है, तो पूरे ग्राउंड बैठ के वो देख सकता है और मैच का आनंद ले सकता है। इन फ्यूचर आपका चाय कॉफी का भी आइडिया प्लान है? स्नैक्स एंड बेवरेजेस में मोस्टली टी कॉफी और बच्चों को भूख लगती है या कोई टाइम पास, जस्ट लाइक टाइम पास के हिसाब से कोई मूड फ्रेश करने भी आता है तो वो इजीली यहाँ पर बैठे और नहीं खेलना चाहता तो भी यहाँ बैठ के एंजॉय कर सकता है, देख सकता है, जस्ट लाइक अपन एक क्रिकेट मैच देखते हैं, फुटबॉल मैच देखते हैं। तो इस टाइप से जो बंदा अपना वर्कआउट करके आएगा ना, अगर वो यहाँ 5 मिनट भी बैठेगा ना तो इतना रिलैक्स फील होगा, वो सारी थकान भूल जाएगा। इतना अच्छा एनवायरमेंट के अंदर चारों तरफ ग्रीनरी है और वो मस्त होकर यहाँ गेम भी देख सकता है और एंजॉय कर सकता है इस प्लेस को। उसका टाइम अप होने में उसके बाद में ऐसा नहीं कि भाई हो गया आप घर जाओ, आप थोड़ी देर रिलैक्स कर सकते हैं, बैठ सकते हो। वन मोर हमारा एक और मोटो है इसके पीछे, 6 साल का बच्चा ऊपर तक आएगा जाएगा ओके, तो पेरेंट्स भी बैठ सकते हैं। सो यहाँ पे सब वेल सर्टिफाइड कोचेस की टीम रहेगी। अगर आप एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब भी कोई बच्चे यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए आएंगे तो वेल सर्टिफाइड कोचेस की टीम यहाँ पे रहेगी उन सभी लोगों को ट्रेन करने के लिए। सो यहाँ पे भैया का क्या मैसेज है इस जगह को लेके? मैं सबसे एंड में ये कहना चाहूंगा, हम सब स्पोर्ट्स फैमिली से आए हैं, बहुत बेकार समय भी देखा है जब हमारे पास फैसिलिटी नहीं हुआ करती थी और हम उसके लिए तरसते थे, उधर इधर जाते थे लेकिन नहीं मिल पाती थी। अगर उस समय हमें फैसिलिटी मिलते तो शायद हम नीमच का नाम और आगे रोशन करते। इतना कुछ हमें फुटबॉल ने दिया है तो आज हमारा समय कि हम फुटबॉल को वापस दें, तो इसलिए मायंक और हमने आउट ऑफ टर्न जाके पूरे माहौल को अपने फेवर में लाके ये इतनी मेहनत करके इसको आज बनाया है। मैं बस ये चाहता हूँ कि नीमच की जनता इसको यूज करे और एक अच्छे लेवल पे जाके इसको परफॉर्म करे। बिल्कुल, मैं सभी लोगों से ये कहना चाहूंगा कि काफी मेहनत के बाद में ये चीजें बनी है। और एक और इम्पोर्टेंट बात, जब आप वीडियो देख रहे हैं यानी कि आज यानी कि 14 तारीख को ये ओपन हो चुका है, यानी इसकी ओपनिंग हो चुकी है। सो आप आइए, डू विजिट यहाँ पे, एक बार आके जरूर विजिट कीजिए और देखिए नीमच में भी ऐसी चीजें बन चुकी है। आज का वीडियो नॉर्मल ब्लॉग की तरह नहीं था, आज का वीडियो था यहाँ की जगह को एक्सप्लोर करना, क्योंकि नीमच में अगर कोई चीज अच्छी आती है तो उसके बारे में बताना तो बनता ही है। सो थैंक यू सो मच भैया और मयंक का कि हमें यहाँ पे बुलाया और यहाँ पे पूरी जगह को हमें एक्सप्लोर करवाया, हमें मौका दिया। थैंक यू सो मच गाइस। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जरूर करना नीमच के सभी लोगों में, ताकि सभी लोग इस जगह को जान पाए, पहचान पाए और नीमच की इस जगह को और लोगों तक पहुंचा पाए। अगली बार कोई बोले ना कि नीमच में कुछ भी नहीं है तो ये वाला वीडियो दिखा देना, पता पड़ जाएगा कि कुछ ना कुछ नीमच में है और बहुत सारी चीजें। तो थैंक यू सो मच, तब तक के लिए मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए दिस तनुभव अलोंग विद मयंक, देवेंद्र भैया एंड चेरिश साइनिंग ऑफ।